नौकरी का झांसा देकर 20 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने के मामले में अब तक ज्वालामुखी पुलिस 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अभी इस मामले में और भी लोगों को गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। पुलिस द्वारा काफी समय से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और पुलिस द्वारा पहले पकड़े गए 4 आरोपियों से कड़ी पूछताछ करने के बाद कई खुलासे सामने आए हैं। नौकरी का झांसा देकर 20 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने के मामले में अब तक ज्वालामुखी पुलिस 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अभी इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। पुलिस द्वारा काफी समय से इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और पुलिस द्वारा पहले पकड़े गए 4 आरोपियों से कड़ी पूछताछ करने के बाद कई खुलासे सामने आए हैं। इन खुलासों के बाद पुलिस ने अब घटना और रांची में दबिश देकर 2 और युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने इन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इसके तहत चंद्रमणि सोलब, बहादुर कुमार महतो 17 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे। पुलिस को शक है कि एक बड़ा गिरोह है और इसके तार जगह जगह अन्य लोगों के साथ जुड़े हैं, जो काफी समय से लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनके साथ ठगी कर रहा है। ऐसे में पुलिस इस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। डीएसपी ज्वालामुखी तिलकराज शौंडिल ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस धोखाधड़ी के मामले में अब तक 6 गिरफ्तारियां कर चुकी है और आगे भी गिरफ्तारियां करने की संभावना बनी हुई है। तिलकराज शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में संजीव कुमार निवासी बेहा, बीरेंद्र कुमार निवासी सिहाल फतेहपुर, राधेश्याम निवासी खारसी ब्राह्मण जिला बिलासपुर, विशाल डोगरा निवासी बनखड़ी देहरा, चंद्रमणि निवासी जमुई बिहार, वो बहादुर कुमार महतो रांची झारखंड शामिल है। बताते चलें कि ये मामला बीते 19 अक्टूबर का है, जब मुकेश कुमार निवासी अमडोली सहित 3 अन्य पीड़ितों ने पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि उनके साथ कुछ लोगों ने बैंक व डाकघर में नौकरी दिलाने के एप्स में धोखाधड़ी की है और उनसे लाखों रुपए की हेराफेरी भी की है। इस पर थाना प्रभारी मनोहर चौधरी के नेतृत्व में ASI बलदेव राज शर्मा ने मामले की छानबीन करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जो हिमाचल के रहने वाले हैं। वह उनसे पूछताछ की जा रही है। डीएसपी ज्वालामुखी तिलकराज शौंडिल ने कहा कि हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वे इस तरह के झांसे में ना आएं। उन्होंने कहा कि पैसे देकर कभी नौकरी नहीं मिलती, मेहनत करने पर ही कामयाबी खुद आपके कदम चूमती है। किसी के कहने पर या 1, 2 या 5 लाख रुपए देकर आपको नौकरी नहीं दिलवाई जा सकती, तो ये सब ठगी के नए नए तरीके हैं और आप इस तरह के जांचों में ना आए। इसको लेकर पुलिस समय समय पर लोगों को जागरूक भी करती है, बावजूद लोग इन लोगों के सिकंजे में आ जाते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं। सर, नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ ठगी की दी गई थी लोगों द्वारा, पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है, इसमें कुछ बंदे अरेस्ट किए हैं, थोड़ा मामला बताएं क्या था। अक्टूबर माह में एक कंप्लेंट हमारे पास आई थी, इसमें मुख्य कंप्लेंट था हमारा मुकेश कुमार, उसके साथ अनिल कुमार, जितेंद्र और परमजीत भी इसके साथ कंप्लेंट लेके आए थे हमारे पास। इसमें हमने FIR 420 में दर्ज की थी पुलिस थाना ज्वालामुखी में। तो फिर हमने सारा रिकॉर्ड जो है इसके रिगार्डिंग इकट्ठा किया था, लगभग 20 लाख से ज़्यादा का अमाउंट जो है इसमें ठगी हुआ था नौकरी दिलाने के नाम पर। तो जो मुख्य आरोपी जो हमने सबसे पहले अरेस्ट किया था, इसमें बीरेंद्र कुमार फतेहपुर का रहने वाला है, संजीव कुमार नदौन का रहने वाला है, विशाल देहरा साइड से और बिलासपुर की साइड से राधेश्याम, और सब जारे सारा अकाउंट हमने वेरीफाई करने के बाद पता लगा कि इसके तार कुछ बिहार में पटना में भी जुड़े हुए हैं।